सब ये सोचते हैं उसकी हीरो वो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। सिर्फ उसका नाम पता है क्योंकि वही जानता है जीतने की असली। क्या पूजा और सलमान के खिलाफ होगी प्यार की साजिश? क्या दगुबती करेगा पूजा से प्यार का नाटक? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, शहनाज, राघव, सिद्धार्थ, दगुबती और जबरदस्ती बिठाए गए जगपति बाबू ने सलमान और पूजा को मिलाने का जिम्मा उठा लिया है। हालांकि सबसे बड़े भैया जगपति बार बार उन्हें कह रहे हैं ये प्लान बहुत खतरनाक है, कम से कम इसमें तो उन्हें हिस्सा मत बनाओ, लेकिन वो सब मिलकर उन्हें चुप करा देते हैं और प्लान बताते हैं। प्लान की शुरुआत बड़े भैया से होती है जब वो सलमान को बताते हैं कि उनको कोई पसंद है, यानी उन्हें किसी से प्यार हो गया है। लेकिन जब सलमान उन्हें कसम की याद दिलाता है तो सारे भाई मिलकर इमोशनल ड्रामा शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि बड़े भैया, क्या आप जानते नहीं हैं हमें प्यार करने का क्या हक नहीं है? अपने भाइयों की कसम तोड़ी है बड़े भैया, ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। सलमान सुनता है और अपने सारे भाइयों को देखता है। इतना तो पक्का था कि कुछ ना कुछ खिचड़ी तो जरूर पक रही है, लेकिन इमोशनल ड्रामा सारी हदें पार कर देता है जब चारों भाई गले लगकर रोने का ड्रामा करते हैं। तो सलमान पीछे से कहता है, ठीक है, लेकिन हम सब पहले उससे मिलेंगे। ये सुनकर उनके चेहरों पर हंसी आ जाती है और कुछ देर बाद पांचों भाई सलमान को खींचकर मॉल ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शहनाज पूजा को अपने साथ शॉपिंग के बहाने उसी मॉल में ले आती है। दोनों टीमें मिलकर बार बार पूजा और सलमान को एक ही जगह पर ले जाते हैं और जैसे ही वो लोग मिलते हैं, पूजा और सलमान एक दूसरे को देखकर फिर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब दोनों मॉल से जाने की जिद करते हैं तब दूसरे कदम की बारी आती है और दगुबती भैया और शहनाज को मैदान में उतारा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ से सिड भेस बदल कर पूजा के हाथ से बैग गिरवा कर एक हल्का सा धक्का देकर निकल जाता है, लेकिन वहीं पर दग्गू भैया पूजा को गिरने से बचाने के लिए तैयार होते हैं। दग्गू पूजा की मदद करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। राघव जानबूझकर सलमान को पूजा और दग्गू को साथ में दिखाता है और कहता है, लगता है बड़े भैया के साथ दग्गू भैया को भी प्यार होने वाला है। ऐसा करेंगे, दोनों की एक ही मंडप में शादी करा देंगे, खर्चा भी बचेगा और घर में पूजा मतलब जैसी भाभी भी आ ही जाएगी। पूजा भाभी सुनते ही सलमान के हाथ से बैग गिर जाता है। उसकी नजरें दग्गू और पूजा की तरफ मिसाइल छोड़ने को तैयार होती है। फिर शहनाज की बारी आती है जो सलमान से बात करने की कोशिश करती है, जो कि काफी मुश्किल था क्योंकि सलमान लोगों को इग्नोर करने में माहिर है। इसीलिए जब पूजा की नजर सलमान पर पड़ती है तब राघव पीछे से शहनाज को धक्का देता है, लेकिन सलमान वक्त पर साइड हट जाता है और शहनाज नीचे गिर जाती है। राघव हंसी रोकने की कोशिश करता है लेकिन फिर जोर से हंसने लगता है। दोस्तों, आपको बता दें कि शहनाज को एम्बेरस देखकर सलमान उसकी उठने में मदद करता है, जो कि पूजा को जलाने के लिए काफी था और प्लान की आखिरी लेवल खेली जाती है। जब शहनाज पूजा को जाकर कहती है कि उसने अपना पति चुन लिया है और सलमान की तरफ इशारा करती है, दूसरी तरफ दगुबती सलमान के पास जाकर कहता है कि उसे पूजा बहुत पसंद है। राघव आग में घी डालने के लिए जोर से कहता है, ये लो भाई, शादी मुबारक हो। सलमान दग्गू और पूजा के शादी के बारे में सोचता है और पूजा शहनाज और सलमान के बारे में सोचती है, और जैसे ही दोनों की नजर मिलती है वैसे ही दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं। दूर जाकर फिर दोनों एक साथ कहते हैं, दग्गू मेरा भाई है, शहनाज मेरी बहन है और ये शादी नहीं हो सकती। फिर दोनों एक दूसरे को कंफ्यूज होकर देखते हैं और पूजा कहती है कि तुम किसकी शादी की बात कर रहे हो? तो सलमान कहता है, दगुबती मेरा भाई है और तुम उसके साथ शादी नहीं कर सकती हो। तो इस पर पूजा ये कहती है कि मैं और शादी, वो भी तुम्हारे भाई से, पागल हो गए हो क्या? मैं तो तुम्हारी और शहनाज की शादी की बात कर रही थी। तो सलमान कहता है, वो कौन है? और जब सलमान की नजर दीवार के पीछे छुपे लोगों की लाइन पर पड़ती है तब उसे सब समझ में आ जाता है कि इतनी देर से ये सब हो क्या रहा था। तो सलमान हल्की सी स्माइल दे करके कहता है, ठीक है, दग्गू भैया से नहीं लेकिन मुझसे तो शादी कर सकती हो ना। तो दोस्तों,
अभी तक कहानी में इतना ही। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करिए कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।